फ्रेंड्स वेलकम टू माई टूडे स्टूडियो. टूडे आई विल डू द एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू थर्ड ऑफ मैथ साइंस एंड डायनेमिक लर्निंग बुक 7th रिवाइज्ड एडिशन. ओके सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट. ओके सो फ्रेंड्स अब सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. इसमें हमने क्या करना है, पिक अप द लाइक टर्म्स एंड ऐड देम. हमने सबसे पहले लाइक टर्म्स जो एक दूसरे के जैसे हों, जैसे कि यहाँ पर स्केयर है 4x का स्केयर एंड 7x का स्केयर माइनस 11x अलग नंबर है, जो दोनों एक जैसी हों उनको हमने प्लस करना है. वैसे ही हमने इन पार्ट्स में भी करना है. सो ये हम करते हैं हमारी नोटबुक के ऊपर. ओके सो फ्रेंड्स जैसे कि फर्स्ट का ए पार्ट है, सो इसमें हमने क्या करना है, जैसे कि 4x की पावर 2 है एंड 7x की पावर 2 है एंड माइनस 11x है, बस इसकी पावर 2 डी है. हमने लाइक टर्म्स को करना था प्लस. सो जैसे यहाँ पर माइनस नहीं है कुछ भी, सो 4x की पावर 2 एंड 7x की पावर 2 को हम कर देंगे जगह जगह. 4x की पावर 2 प्लस 7x की पावर 2. सो हमने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को प्लस कर दिया ना 4 एंड 7 को, जो कि हो जाएगा 11x की पावर 2. ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू बी पार्ट. फ्रेंड्स अभी हमारा बी पार्ट है. सो बी पार्ट में भी हमने सेम वाले ले लेने हैं, जो कि है एक तो 9x की पावर 2y है एंड 7x पावर 2y है. सो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, इनके सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को प्लस करेंगे क्योंकि हमारे जो टर्म्स हैं वो तो सेम ही हैं, जो कि हो जाएगा 16x की पावर 2y. एंड वैसे ही हमने नेक्स्ट पार्ट करना है 17a प्लस 15a. एंड इन दोनों के बीच सेम है, सो ये दोनों अलग लेकर 20 माइनस 20b प्लस 2b, जो कि सबसे पहले हम इधर कर देख लेते हैं. इधर कितना आंसर आएगा हमारा, माइनस 18b. ये इसको डालने की ज़रूरत है नहीं है. सो इधर ही साइड हमारा कितना आंसर आएगा, 17 में 15 प्लस कर देना हमने, सो वो हमारा आंसर आ जाएगा 32a. सो ये दोनों है हमारे आंसर, माइनस 18b एट ये वाला. सो अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट, 7xy एंड 14xy एंड माइनस 8y की पावर 2 एंड माइनस 4y की पावर 2. सो हमने इसमें क्या करना है, जो लाइक टर्म्स हैं इसमें भी हमारी दो है, सो 7xy प्लस 14xy कर लेते हैं, जो कि आ जाएगा हमारा 21xy एंड माइनस 8y की पावर 2 एंड माइनस 4y की पावर 2, जो कि आ जाएगा माइनस 12y की पावर 2. ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. सो इसके टू मेथड्स होते हैं, हॉरिजेंटल मेथड, दूसरा मेथड होता है कॉलम मेथड. सो सबसे पहले हॉरिजेंटल मेथड. इस मेथड में हमें एडिशन करनी होती है, जबकि हम इन सभी को एक हॉरिजेंटल लाइन में रखकर ऐड करते हैं. जैसे कि यहाँ पर है 4x प्लस 5y प्लस 8. अब देखो हमने सेम वाले ले लेने हैं, जैसे कि यहाँ पर 7x है, यहाँ पर माइनस 9x है, तो हमने इन सभी को प्लस कर देना है. एंड दूसरे वालों को ही ले लेना 5y प्लस 2y प्लस 6y ऐसे. एंड उसके बाद 8 अकेला एंड 9 अकेला, बस ऐसे हमने वो कर अरेंज कर इन सभी को प्लस कर देना है. एंड अब मैं बात करता हूँ कॉलम मेथड के बारे में. कॉलम मेथड में हम जैसे सिंपल प्लस करते होते हैं, हमने बस वैसे ही करना होता है, जो कि अलग अलग करना पड़ेगा. यहाँ पर लाइन लगी हुई नहीं चाहिए. सो मैं कहना क्या चाहता हूँ वो है कि हमने सेम वाले ले लेने हैं जिनके टर्म सेम हो, जैसे कि 4x माइनस 6x एंड 9x. सो इनको ले लेना हमने. सो इन सभी को सबसे पहले प्लस कर देना, जो कि आ जाएगा 7x एंड उसके बाद 6y. सो अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिया होता है कि हमने इनको प्लस करना है और आखिर में जाकर माइनस करना है. जैसे कि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है जेड वालों के लिए. सो हमारा आंसर आखिर में आ जाएगा ये. ओके सो फ्रेंड्स अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन. ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है. सो इसमें हमने क्या करना है, इन सभी को प्लस करना है हॉरिजेंटल मेथड में. सो हॉरिजेंटल मेथड के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया, 15x की पावर 2 प्लस माइनस x की पावर 2 प्लस 17x की पावर 2 एंड माइनस 3x की पावर
टू। सबसे पहले हम माइनस माइनस वाले को प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस फोर एक्स की पावर टू, क्योंकि जो वाला अकेला हमारा टर्म हो, कोई न्यूमेरिकल डिजिट ना हो वहाँ पर, सो हम वहाँ पर वन यूज़ कर लेते हैं, माइनस वन, मतलब कि अब माइनस वन प्लस माइनस थ्री कितना हो जाएगा, माइनस फोर। सो अब देखो 15x की पावर टू प्लस 17x की पावर टू जो कि हो जाएगा 32x की पावर टू। सो अब हमने इसको इसमें से माइनस कर देना है। माइनस क्यों करना है, क्योंकि हमने करना प्लस था बट ये वाला माइनस था, सो माइनस प्लस माइनस। सो हमारा आंसर आ जाएगा 28x की पावर टू। ओके सर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अभी हमारा बी पार्ट है। सो बी पार्ट में वैसे पिछली बार के जैसे करना, बस इस बार हम सबसे पहले माइनस वाले कर लेते हैं। माइनस 20a प्लस माइनस 48 जो कि हो जाएगा माइनस 60a, एंड उसमें हम प्लस कर देंगे 10a प्लस 6a जो कि हो जाएगा 16a, जो कि हमारा आखिर में आंसर आएगा माइनस माइनस 44a। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अभी हमारा सी पार्ट है। सो इसमें हमने क्या करना है, पिछली बार के जैसे ही कर रहे हैं बट इस बार हमें न्यूमेरिकल नंबर नहीं दिए हुए हैं। सो हमने क्या करना पड़ेगा, ए प्लस माइनस ए जो कि हो जाएगा जीरो। देखो सबसे पहले तो जीरो हो चुका है, क्योंकि अगर हम जैसे कि अब वन है, वन के एडिटिव इनवर्स को उसके साथ प्लस कर दें, एडिटिव इनवर्स वो होता है अगर वन हो तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस वन, अगर माइनस वन हो तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा वन। सो माइनस वन को प्लस करें, सो हमारा आंसर जीरो हो जाता है। अब देखो ए प्लस माइनस वन, ए प्लस माइनस ए प्लस ए प्लस माइनस ए जो कि अब इतना हमें पता है कि इसका आंसर आएगा जीरो। एंड अब प्लस करना हमने बी प्लस बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी जो कि इसका भी हमारा आंसर आएगा कितना, जीरो। सो मतलब कि जीरो प्लस जीरो जीरो। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अभी हमारा डी पार्ट है। सो डी पार्ट में हमने क्या करना है, 8a माइनस 7b। सो सबसे पहले हम 8a वाले लिख देते हैं। सो उसके बाद अब प्लस कर देंगे हम उसमें 4a जो कि जगह 12a, एंड अब हम उसमें प्लस कर देंगे माइनस 2a जो कि हो जाएगा, अब देखो माइनस 2a में 12a प्लस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 10a। अब उसको हम प्लस कर देंगे, बी वालों को प्लस कर देते, सबसे नीचे हम बी वालों को प्लस कर देते हैं जो कि होंगे 7b प्लस 3b जो कि हो जाएगा 10b। अब देखो 10b तो हो चुके हैं, वेट माइनस 7b है एंड प्लस है 14b एंड 3b को प्लस कर दिया, सो हमारा आंसर आ गया 17b। 17b में माइनस 7b प्लस किया, सो हमारा आंसर आ जाएगा 10b, मतलब कि हमारा जो टोटल आंसर होगा वो होगा 10a प्लस 10b। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है। सो इसमें हमने कॉलम मेथड का यूज़ करना है, जैसे कि a की पावर 4 है, b की पावर 4 है प्लस 2a की पावर 2 b की पावर 2 एंड 2a की पावर 4 माइनस 7b की पावर 4 माइनस 4a की पावर 2 b की पावर 2 एंड 2a की पावर 4 माइनस 3b की पावर है 4। सो हमने इन सभी को कॉलम में लिख लेना, जैसे कि a4 सबसे पहले a4 कितना हो जाएगा 1, मतलब कि यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, जिनके पीछे कुछ भी ना हो उनके पीछे 1 लिख देंगे। एंड उसके बाद अब प्लस 1b4 प्लस 2a की पावर 2 b की पावर 2। सो अब उसके बाद 2a की पावर 4 एंड उसके बाद प्लस 7b की पावर 4 माइनस 4a की पावर 2 b की पावर 2 एंड उसके बाद 2a की पावर 4 माइनस 3b की पावर 4 एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सो हमने यहाँ पर क्या करना है, प्लस माइनस वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम पीछे वाले से शुरू करते हैं। सो प्लस 2 a की पावर 2 b की पावर 2 है एंड माइनस 4 सेम जो टर्म बोले थे वही वाले हैं,
सो हम क्या लिखेंगे, माइनस टू ए की पावर टू बी की पावर टू, एंड अब वन बी की पावर फोर, सेवन बी की पावर फोर जो कि हो जाएगा एट बी की पावर फोर, प्लस थ्री बी की पावर फोर, मतलब प्लस माइनस थ्री बी की पावर फोर जो कि हो जाएगा, हमने अब एट बी, सो इसका आंसर आएगा फाइव बी की पावर फोर। जैसे कि वन एंड सेवन को प्लस कर उसके बाद उनमें से माइनस कर देना थ्री बी, हमारा फाइव बी की पावर फोर आ जाएगा। सो उसके बाद वन ए की पावर फोर, टू ए की पावर फोर एंड टू ए की पावर फोर जो कि हो जाएगा फाइव ए की पावर फोर। सो यहाँ पर क्या आना था, यहाँ पर प्लस वाला आना था। सो फाइव ए की पावर फोर प्लस फाइव बी की पावर फोर माइनस टू ए की पावर टू बी की पावर टू। ओके सर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर फ्रेंड्स, अभी हमारा बी क्वेश्चन है। सो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन वाला, सो इसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इनका क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम जो कि हो जाएगा 36, इन सभी का एलसीएम, इन सभी के डिनोमिनेटर का एलसीएम जो कि 6 माइनस 5 बाई 6 को हम बना देंगे, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर माइनस 30 अपॉन 36, एंड वैसे ही माइनस 3 अपॉन 18 बन जाएगा माइनस 6 अपॉन 36, वैसे ही 2 अपॉन 9 बन जाएगा 4 के साथ हम इसको कर देंगे जो कि बन जाएगा 8 अपॉन 36, एंड इसके बाद 1 अपॉन 12 बन जाएगा 3 अपॉन 12। सो हमने इन सभी को प्लस कर देना है माइनस 30। सो इन सभी को मैंने हमारा जो कॉलम होगा उसमें प्लस करना है। जैसे कि हम माइनस 30 है सबसे पहले, माइनस 30 अपॉन 36 ए की पावर टू बी। ओके सो उसके बाद प्लस कर देना है उसको हमने, मतलब कि इन सभी को नीचे प्लस करना हमने। तो हमने सभी फ्रैक्शंस को ऐसे उतार लेना है, माइनस 30 और इनके पीछे जो हमारे टर्म्स थी वो लिख देनी है, ए की पावर टू बी। सो ऐसे हमने लिख देना माइनस 30 प्लस माइनस 6 अपॉन 36। सो ये हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम कर देंगे प्लस, माइनस 36 अपॉन 36 आ जाएगा जो कि हो जाता है माइनस 1 हो जाता है, बट हमें अभी करने की ज़रूरत नहीं है। 8 प्लस 3 कर देंगे जो कि आ जाएगा 11, वेट 3 अपॉन 12 को ही अभी हमने करना है, सो मैंने अभी तक किया नहीं है। 3 अपॉन 12 को अगर हमने किया सो हमारा आंसर आ जाएगा 9 अपॉन 36, यहाँ पर 9 अपॉन 36 आएगा क्योंकि 9 प्लस 8 17 अपॉन 36, अभी तक 17 अपॉन 36 है। सो हम 36 में से माइनस 36 में से 17 प्लस कर दें अगर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 36 में से 17 माइनस करना पड़ेगा। सो हम कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 16 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2, सो यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 6 9, 19 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। सो 19 अपॉन 36 होगा हमारा आंसर, माइनस 19 अपॉन 36। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा सी पार्ट है, 7a प्लस 5b माइनस 3c एंड 6a माइनस 2b प्लस 2c एंड 5a प्लस 4b माइनस 4c। सो इसमें इसको मैंने कॉलम में लिख लिया है, माइनस 3c प्लस माइनस 4c जो कि हो जाएगा प्लस 2c जो कि हो जाएगा माइनस 5c। अब देखो 5b प्लस माइनस 2b प्लस 4b, सो जो कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7b प्लस 7b एंड 7a प्लस 6a, 7 प्लस 6 कितना हो जाता है हमारा 13 एंड 13 प्लस 5 18a। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स, अब ये हमारा डी पार्ट है, माइनस एक्स की पावर टू एंड माइनस वाई की पावर टू माइनस जेड की पावर टू, टू एक्स की पावर टू प्लस थ्री वाई की पावर टू प्लस फोर जेड की पावर टू एंड माइनस एक्स की पावर टू माइनस जेड की पावर टू। सो हमने इन सभी को प्लस करना है। सबसे पहले हम पीछे वाला करेंगे, माइनस वन जेड प्लस फोर जेड प्लस माइनस वन जेड, सो ये कितना हो जाएगा, टू जेड की पावर टू। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, प्लस में है ये, सो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे, वन वाई माइनस वन वाई प्लस थ्री वाई जो कि हो जाएगा टू वाई, माइनस वन एक्स की पावर टू टू एक्स की पावर टू एंड माइनस वन एक्स की पावर टू, सो ये कितना हो जाएगा, ज़ीरो।
मतलब कि जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 2y की पावर 2 है एंड प्लस 2z की पावर 2 है। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स आज के वीडियो में इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।